सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक वीडियो के बारे में जो कि मैंने अपने अपलोड की थी अपने चैनल पे, जो कि थी हाउ टू गेट अनलिमिटेड सर्विस इन गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो पे कुछ कमेंट आए हैं जो जो लोग कह रहे थे कि भैया एक ट्रिक नए काम कर रही है, इट डज नॉट वर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि हमारी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जाना है अपने ओपिनियन रिवॉर्ड्स में। देखिए, मुझे एक सर्वे आया हुआ है जो कि आया है यूट्यूब की तरफ से। देखिए, ये यूट्यूब की एक वीडियो मैंने देखी थी कुछ दिन पहले, तो उसकी तरफ से सर्वे आया है। तो हाँ, देखिए, इसको आपका आंसर देना है इसे आपको, लेकिन धीमे धीमे देना है आपको, बहुत जल्दी आंसर नहीं देना है वरना नीचे लिख के आएगा टू मच फास्टर। जैसे कि मैंने आपको इसकी पहली वीडियो में बताया था कि आपको जो एज सेट करनी है वो 65 से लेके 85 तक करनी है और जेंडर में फीमेल। तो कोई भी 65 जो इसकी एज होगी वो इतनी तेज तो आंसर कर ही नहीं पाएगा, इसलिए आपको आराम से आंसर करना है, बहुत अच्छे आंसर नहीं देने, एवरेज, हर चीज़ को एवरेज में लेकर चलना है उस टाइप से। और आपको धीमे धीमे आंसर देने, देखिए नहीं, आपको बहुत जल्दी आंसर नहीं देना है जिससे कि आपको गूगल को ये ना लगे कि आप जो हैं वह तो फेक है, आपकी लोकेशन फेक है। आपको हर चीज़ ओरिजिनल, आपको अर्निंग करनी है तो गूगल से आपको झूठ नहीं बोलना है। और खासकर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको हमेशा अपनी लोकेशन को है उसे ऑन रखना है। अगर आप नहीं जानते कि आपको लोकेशन कहाँ से ऑन करनी है, तो देखिए मैं, ये देखिए सर्वे मुझे मिल गया। तो देखिए, मैं 75.32 रुपीज़ हो चुके। देखिए, अभी सर्वे आया मुझे 9 रुपये 56 पैसे का, तो 13 तारीख है। तो देखिए, मैं 75 हो गए। इसी तरह मुझे सर्वे आते रहते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी लोकेशन कहाँ है, तो आपको सिंपली टाइप करना है LOCAT, लोकेशन। तो देखिए, लोकेशन है, सर्विसेज पे जाना है आपको, और आपको हमेशा अपनी लोकेशन जो है ऑन रखनी है। मोड जो है वो रखना है हाई एक्यूरेसी वाला, जिससे कि जो गूगल है वो आपकी लोकेशन पे भी नज़र रखता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपसे वो उस चीज़ का रिव्यू लेता है। वो किसी और चीज़ का रिव्यू आपसे क्यों मांगेगा, आपसे हाल चाल थोड़ी ना पूछेगा आपके। तो कुछ चीज़ों का आपको याद रखना है, तभी आपके सर्वेज आएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको बार बार ओपिनियन को खोल खोल कर चेक कर देना, जैसे कि दोपहर में चेक कर लिया, शाम को चेक कर लिया। आपको ये नहीं कि आप 2 दिन बाद खोल रहे हैं, 4 दिन बाद खोल रहे हैं, तो गूगल आपको क्यों सर्वे देगा जब आप उसके ऐप को चला ही नहीं रहे। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो गूगल के प्रोडक्ट हैं वो चलाने, जैसे कि ये हो गया यूट्यूब हो गया, आपको चलाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, यूट्यूब चलाना है आपको, और एडसेंस हो गया, प्ले स्टोर है, ये सब आपको चलाना है, जिससे कि गूगल की जो अर्निंग है वो बढ़ेगी। और गूगल की अर्निंग बढ़ेगी तो आपकी भी जो वो जो ओपिनियन के सर्वेज आएंगे वो ज़्यादा आएंगे। जितना आप ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे गूगल के प्रोडक्ट्स में, उतना ही आपको सर्वे आएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने खुद मतलब एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद बहुत सारे पैसे कमाए, मैंने खुद इसी गूगल ओपिनियन से ही मैंने यूट्यूब की मेंबरशिप ली थी 159 की, तो मेरे कुछ 200 हाँ 250 रुपीज़ हो गए थे। तो मैंने खुद सर्वे से मतलब मेंबरशिप ली थी किसी चैनल की। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपको लोकेशन अपनी खुली रखनी है, लोकेशन आपको बंद नहीं करनी है, और गूगल के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, और सर्वे जो है वो आएंगे आपको, आपको रोज़ ना रोज़ चेक करते रहना है, बार बार आपको ओपिनियन रिवॉर्ड खोलना है, दोपहर शाम को। जैसे कि मुझे भी सर्वे बहुत आते हैं, पहले नहीं आते थे, जब से मैं इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया हूँ तब से मुझे आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक वर्क करती है तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आगे बता सकूं। हो सकता है इसका पार्ट 3 बनाना पड़े, कि कुछ लोग का अभी भी नहीं काम कर सकता ये। अलग अलग टाइप से बहुत लोग होते हैं जो आधी वीडियो देखते हैं स्किप करके, तो उनको कैसे समझ आएगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा पूरा देखें जिससे कि आपको ये पूरा मेथड समझ आए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।